Welcome to my YouTube channel, dear Javed sir. Learn English grammar and English speaking in very short time but perfect. Punctuation and capital letters. विराम चिन्ह और कैपिटल लेटर्स. हमें सेंटेंस लिखते वक्त क्या करना होगा और बोलते वक्त क्या करना होगा. अगर विराम चिन्ह न हो, हम न यूज करें तो क्या होगा. जैसा रीटा सेड, रतन इज नॉट वेल. यहाँ पर विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम इस सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं. जैसा कि रीटा सेड, रतन इज नॉट वेल. रीटा एक कहियो, रतन ने तबीयत सारी नहीं. इस तरह अगर इंडेंट कॉमा यहाँ की जगह पर यहाँ हो और यहाँ पर हो तो क्या होता है. रीटा सेड रतन इज नॉट वेल. रतन ने कही रीटा ने तबीयत सारी नहीं. इस तरह हमें अवतरण चिन्हों का मतलब विराम चिन्हों का खास ध्यान रखना होगा. उसका अर्थ सही तब होगा कि जब हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे. आइए पहला सीखे हम द फुल स्टॉप, पूर्ण विराम जिसे कहते हैं, और उसका साइन है डॉट. विधान वाक्यों में मतलब रोगेटिव सेंटेंस में, आज्ञात वाक्य, ऑर्डर सेंटेंस में और टुकाक्षरी रूप में इसे यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में. विधान वाक्यों में देखें तो रीटा इज अ गर्ल, तो रीटा इच्छुक रीचे फुल स्टॉप. ऑर्डर वाले वाक्य में देखें तो स्टॉप देयर फुल स्टॉप, त्या बोल ही जा. टुकाक्षरी के अंदर कंपनी का टुकाक्षरी है सी ओ करके फुल स्टॉप. लिमिटेड का फुल स्टॉप आएगा एल टी डी के बाद, और एल टी डी इस तरह लिखा जाएगा. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बी ए, बी के बाद फुल स्टॉप, ए के बाद फुल स्टॉप. इस तरह कोई इंसान का नाम हो, उसके पापा का नाम हो और सरनेम हो तो हम इस तरह लिखेंगे. मान लो जे जी शेख, तो यहां पर फुल स्टॉप आएगा. इस तरह हम फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम का यूज करेंगे. लेकिन जब बोलते वक्त फुल स्टॉप आए तब हमें थोड़ी देर रुकना होता है, विराम लेना होता है. तो कॉमा, अल्प विराम, पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना होता है. यहां पर सिंबल है ऐसा, दो शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए यूज करते हैं. जैसा मीना, रीटा, रानी आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मीना और रीटा के बाद कॉमा यूज करेंगे. इस तरह जब किसी को संबोधन करते हैं हम संबंध विभक्ति, वीना कम हियर, तब हम यूज करेंगे. यहाँ पर थोड़ा रुकना होता है, वीना कम हियर. इस तरह नाम या सर्वनाम का समानाधिकरण का शब्द जो होता है उसको अलग करने के लिए, जैसा राज कपूर कॉमा द ग्रेटेस्ट शोमैन कॉमा बिगिन विद ए मॉडेस्ट कैरियर फुल स्टॉप. तो यहाँ पर हमने यहाँ राज कपूर के बाद कॉमा यूज किया और शोमैन के बाद कॉमा यूज किया और एंड में फुल स्टॉप. इस तरह प्रिंसिपल फेस को अलग करने के लिए भी यूज करते हैं. फीलिंग हंग्री, देखो कॉमा, ही वेंट होम फुल स्टॉप. फीलिंग हंग्री ही वेंट होम, तो यहाँ पर थोड़ा रुकना होता है. शब्द, शब्द समूह के उपवाक्यों को अलग करने के लिए ही डिड कॉमा हाउएवर कॉमा राइवल द सीक्रेट फुल स्टॉप. इस तरह क्रियापद का लोप हो तब यूज करेंगे हम. द सॉरी आई बॉट ए बैट सेमी कॉलन हरी कॉमा अबाउट फुल स्टॉप. यहाँ हरी के बाद कॉमा आया. इस तरह क्रियापद के आगे नाम या वाक्य को अलग करना हो तब यूज करेंगे. व्हाट एवर ही सेज कॉमा इज राइट फुल स्टॉप. मुख्य वाक्य को विशेषण से अलग करना हो तब यूज करेंगे. व्हेन आई केम कॉमा ही वॉज रीडिंग, यहाँ पर कॉमा हुआ. इस तरह डायरेक्ट स्पीच में उसको अलग करनी हो तब करेंगे हम. ही सेड कॉमा द एयर इज कोल्ड, इस तरह कॉमा का यूज. द सेमीकॉलन सिंबल ऐसा है, कंपाउंड सेंटेंस को स्वतंत्र वाक्य से अलग करने के लिए यूज होता है. ही होप दैट ही वुड पास सेमीकॉलन बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड. द कॉलन, कॉलन जब कथन डायलॉग को अलग बताना हो, जैसा मोना द कॉलन यूज किया, आई एम लकी. यहां पर ध्यान रखिएगा इनवर्टेड कॉमा यूज नहीं होता डायलॉग के अंदर. अगर कोई विगत हो उसको अलग करनी हो तब भी द बॉयज आर कॉलन राम कनु मनु, इस तरह इसका यूज होता है. द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है प्रश्नसूचक शब्दों में, प्रश्नसूचक वाक्यों में यूज होता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं, कैन यू हेल्प मी, मैं कमिंग सर, व्हाट इज योर नेम, इस तरह
क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, द एक्सक्लेमेशन मार्क, उद्गार चिन्ह, एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद या सेंटेंस के बाद इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि अलास के बाद क्या है, अलास ही स्टेड फुल पॉइंट, तो यहां पर यूज किया गया है। अगर हमें यहां कॉमा यूज करना है तो एंड में यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, उद्गार अवतरण चिन्ह, ही सेड आई एम अ टीचर। यहां पर जब डायरेक्ट स्पीच में डायलॉग को एज इट इज बताना हो तब यूज करते हैं द एपोस्ट्रोफी, जिनेटिव केस होता है तब यूज करते हैं, जैसा कि बॉयस बुक, छोकरे, छोकरे की चौपड़ी, छोकरा नहीं चौपड़ी। लेकिन अगर एस के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज होता है तो उसका मतलब बहुवचन होता है, छोकरा ओनी स्कूल। अक्षर के अक्षर का जब लोप किया जाता है, जैसा कि कैन नॉट तो कांट, डू नॉट का डॉन्ट, तो इस तरह यूज होता है। अक्षर के अक्षर का जब बहुवचन करना हो तब भी होता है, जैसा कि डॉट योर आईस, आई के ऊपर डॉट करो, कट योर टीज एंड कट योर टीज, टी को कट कर डालो, एड थ्री फोर्थ्स, चार को तीन बार एड करो, इस तरह एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। द डैश द हाइफन, द डैश की लाइन थोड़ी लंबी होती है, द हाइफन की लाइन थोड़ी छोटी होती है। जब कोई आइडिया रजू करते हो, विचार रजू करते हो और अधूरे में दूसरा आइडिया रजू करना हो तब यूज करेंगे, जैसा कि आई वॉन्टेड टू से डैश बट इट लेट इट गो। एक क्रियापद के कर्ता अगर ज्यादा हो उसको अलग करना हो, जैसा कि रहीम, अकबर, बिनोद, डैश ऑल वेंट अवे, तब भी हम डैश को यूज करेंगे, डैश की लाइन थोड़ी लंबी होती है। और हाइफन का यूज कब होता है, जब संयुक्त शब्द के भाग को जोड़ना हो, जैसा कि जैक ऑफ ऑल टेरर्स, तो यहाँ पर हाइफन का यूज हुआ। इस तरह हम जब लिखते हो और लाइन खत्म हो गई हो, जगह न हो और वर्ड आधा लिखा हो तब हम यूज करेंगे, जैसा कि अहमदाबाद लिखना है तो यहाँ जगह खत्म हो गई तो हम अहमद लिखेंगे, हाइफन का यूज करेंगे, बाकी का स्पेलिंग लिखेंगे। कैपिटल लेटर्स, अल्फाबेट पहले भी सीरीज जो है वो हम कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो पहला अक्षर हम कैपिटल लिखेंगे, द अर्थ इज राउंड, तो टी कैपिटल। विशेष नाम का पहला अक्षर, जैसा कि रानी का आर, उमेश का यू कैपिटल। विशेष नाम के जो विशेषण हैं तब भी हम यूज करेंगे कैपिटल, इंग्लिश का ई और इंडियन का आई। इस तरह गॉड या उसके नाम सर्वनाम होते हैं उसको भी हम कैपिटल में यूज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर, जैसा कि ही से का एच कैपिटल, दे का टी कैपिटल, दे आर बिजी। इस तरह उद्गार वर्ड जो है ओ का ओ कैपिटल और एलास का ए कैपिटल, इस तरह हम कैपिटल को यूज करेंगे। वीडियो पसंद आई हो, उपयोगी साबित हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस फ्यूचर।